मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी से मांगलिया तक नई रेल लाइन का शिलान्यास किया। नसरुल्लागंज में जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने ये सौगात दी है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विधानसभा और सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। दरअसल सीएम शिवराज की जनआशीर्वाद यात्रा सीहोर जिले के नसरुल्लागंज पहुंची, जहां उन्होंने बुधनी से इंदौर मांगलिया तक नई रेल लाइन बिछाने के काम का शिलान्यास किया। लगभग 3200 करोड़ रुपये की लागत से नई रेल लाइन बिछाने का काम होगा, जो लगभग 205 किलोमीटर लंबी होगी, जिसका काम 2024-2025 में पूरा हो जाएगा। थोड़े बहुत में 3500 करोड़ की लगभग रेल की लाइन अच्छी थी। शिवराज सिंह को मिलाज करो, हम हमारे साथ हैं। नसरुल्लागंज बुधनी सलकनपुर रहती उस इलाके से होती नसरुल्लागंज होते हुए एक क्या दिन आए हैं, गोलखेड़ा हो, दिल्लौर हो, आगे बड़नगर हो, उसके आगे इटावा हो, इटारसी हो, अलग अलग गांव आते जाएंगे और छुप 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 करके रेल निकलेगी। और यहां से जाएगी फतेहगांव, कन्नौर और वहां से पहुंचेगी इंदौर। मेरे बहनों और भाइयों, एक संकल्प पूरा हुआ है, सपना साकार हुआ है। वहीं उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर मध्य प्रदेश में 5 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल किया है, जिससे सरकार पर भार जरूर बढ़ेगा, लेकिन किसान और आम आदमी को राहत मिलेगी। मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम काफी बढ़े थे। मध्य प्रदेश सरकार ने भी, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2.5 रुपया डीजल और पेट्रोल पर टैक्स कम करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में पहले भी 5% हमने कम किए थे, जिससे 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ मध्य प्रदेश पर आया था, लेकिन आज मैं भी ये फैसला कर रहा हूँ कि 2.5 रुपया डीजल और पेट्रोल पर हम टैक्स कम करेंगे, जिससे 5 रुपया लीटर ये सस्ता हो जाएगा और जनता को, किसानों को इससे लाभ होगा। अब जो भार आएगा उसको देखेंगे, लेकिन जनता को राहत देने के लिए हमने ये कदम उठाए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में चौथी पारी के लिए दोनों हाथ खोलकर घोषणाएं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका असर चुनावी नतीजों पर कितना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नसरुल्लागंज।